नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल कांग्रेस महापौर प्रत्याशी विभा पटेल पहुंची कलेक्टर कार्यालय, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संगठन और भोपाल की जनता दोनों के जरिए चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय स्तर की राजधानी कैसे बनाई जाए भोपाल को उनके मुद्दे रहेंगे। पानी की समस्या को लेकर जनता में त्राही त्राही है, वहीं नौजवान दूसरे शहरों में रोजगार को तलाश रहे हैं। अपनी समस्याओं के लिए जनता जगह जगह भटकती है। ऐसे कई मुद्दों पर महापौर के चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, मैंने ये नामांकन आज दाखिल किया है। हम लोग कांग्रेस का संगठन, भोपाल की जनता दोनों के जरिए चुनाव लड़ेंगे। हमारे भोपाल मुख्य मुद्दा रहेगा कि भोपाल को एक राष्ट्रीय स्तर की राजधानी कैसे बनाया जाए। आज भोपाल में जिस तरह से उखड़ी सड़कें हैं, पानी की समस्या से जनता त्राही त्राही कर रही है। हमारे शहर का नौजवान रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जा रहा है। आज हमारी और जनता अपनी समस्याओं के हल के लिए जगह जगह भटकती है। हम कांग्रेस पार्टी का ये पूरा प्रयास है और हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि आने वाले समय में जनता हमें जब आशीर्वाद देगी, तो हम न केवल यहाँ भोपाल को सुव्यवस्थित बनाएंगे, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो टैक्स लगाए गए हैं उन टैक्सों को कम करेंगे, बल्कि हम हमारे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी पहल करेंगे। भोपाल का मास्टर प्लान जो आज आधे रास्ते अटका हुआ है, उसे लागू करने के लिए हम सरकार से को बाध्य करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने की बात करें मालती राय जी, क्या वाकई मध्य प्रदेश की? देखिए, ये तो फिर वही बात हो गई। उन्होंने स्वयं ही ये स्वीकार किया है कि अभी तक जो नगर निगम था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के महापौर स्थापित थे, वो किस तरह का चल रहा था। संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।